Hello everyone, this is D.S. Nanda, PGT Economics. In this video, we are going to discuss calculation of national income through expenditure method. Whenever you are to calculate national income through expenditure method, remember, first of all, calculate GDP at MP. Thereafter, you can convert GDP at MP into national income. In this video, we will discuss all these steps. First of all, how you will be calculating GDP at MP through expenditure method. Important identities. In order to calculate GDP at MP, gross domestic product at market price, you need to add these four components. Their name you have to keep in mind. These terms will help you. First one is private final consumption expenditure, PFCE. This is first component, means expenditure by the private sector on the consumption. Second comes government final consumption expenditure. Government also makes consumption expenditure. Government consumption may be collective consumption. For example, government may make expenditure on the purchase of uniform for defense employees. That is part of government final consumption expenditure. Then third comes gross domestic capital formation. It may also be given by another name like gross investment, in short GDCF. And the fourth is net exports. जहाँ तक calculation की बात है, फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट आपको एज इट इज बाय नेम गिवन होंगे, बट थर्ड कंपोनेंट के सब कंपोनेंट्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे. मतलब अगर आपको GDCF एग्रीगेट वैल्यू नहीं दी हुई है न्यूमेरिकल के लिए, तो आपको पहले GDCF कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप इस फार्मूले में GDCF को ऐड करोगे. अब GDCF कैसे कैलकुलेट करना है, इसके क्या सब कंपोनेंट है, वो आपसे मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ. बट उससे पहले आपका जो फोर्थ कंपोनेंट है, इस पर देख लीजिए थोड़ा. नेट एक्सपोर्ट्स, सिंपल है ये. आपको दो चीज़ों का डिफरेंस लेना है इसमें, एक्सपोर्ट्स वैल्यू माइनस इम्पोर्ट्स वैल्यू, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स. अब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स एंड एम, वेयर एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट्स. फॉर एग्जांपल, अगर एक्स की वैल्यू मान लीजिए 40 है, आपके कंट्री ने 40 करोड़ के बराबर लेट्स से एक्सपोर्ट किए हैं, और इम्पोर्ट किए हैं आपके कंट्री ने 50 करोड़, तो नेट एक्सपोर्ट्स उस केस में -10 हो जाएगा, और ये प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, ये याद रखना है. और अगर एक्स और एम की वैल्यू इक्वल है तो नेट एक्सपोर्ट्स ज़ीरो होंगे, और अगर एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स से ज़्यादा है, एक्स ग्रेटर देन एम, इन दैट केस नेट एक्सपोर्ट्स विल बी पॉजिटिव एंड एडिड टू अदर थ्री कंपोनेंट्स. When you will be adding these four components, you will get gross domestic product at market price, or in short GDP at MP. अब जहाँ तक third component की बात है, मैं बात कर रहा था कि इसके सब components देख लेते हैं कि what are the sub components of GDCF. So please have a look at this slide. This is gross domestic capital formation.
आपको या तो ये दो पार्ट में ब्रेकअप करके दिया जा सकता है, लाइक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मींस एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर्स। सो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट का सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कंपोनेंट दिया गया है, तो आपको जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन स्टॉक, वो ऐड करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट जी डी सी एफ। सो यू विल ऐड दीज टू कंपोनेंट्स। नाउ लेट अस सपोज आपको जी डी एफ सी एफ भी नहीं दिया हुआ, फर्दर इट कैन बी सब डिवाइडेड इन थ्री सब कंपोनेंट्स। दीज थ्री सब कंपोनेंट्स हैव टू बी एडेड टू अराइव एट द जी डी एफ सी एफ, एंड फर्दर इन जी डी एफ सी एफ चेंज स्टॉक विल बी एडेड, एंड दीज टू कंपोनेंट्स, दिस वन एंड दिस वन, विल गिव यू जी डी सी एफ। अब इसके जो तीन सब कंपोनेंट है वो देख लीजिए। जी डी एफ सी एफ का फर्स्ट कंपोनेंट है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मींस एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मींस लाइक परचेज ऑफ मशीन। फॉर एग्जांपल एक टैक्सी पर होने वाला खर्च, किसी आदमी ने एक टैक्सी खरीदी है किसी व्यक्ति ने, तो वो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। कोई फॉर्म है, उसने कोई नई मशीन इंस्टॉल की है, मींस एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स बाय द प्राइवेट सेक्टर। सिमिलरली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लाइक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन बिल्डिंग ऑफ ए रोड, दिस विल बी पार्ट ऑफ ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। कोई फ्लाईओवर बना रही है सरकार, तो इस तरीके का जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा पार्ट ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। तीसरा है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, मतलब किसी ने अपने लिए रहने के लिए घर बनाया है, सो वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जी डी एफ सी एफ का पार्ट होगा। मीन्स दीज आर द सब कंपोनेंट्स ऑफ जी डी सी एफ। तो आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ओके, जब आपको ये चारों कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास है, सो ईजिली यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी डी बी एट एम पी एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट, नाउ वी सी वन और टू न्यूमेरिकल्स आई हैव फॉर यू, बट बिफोर दैट इफ यू नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, देन यू हैव टू कन्वर्ट जी डी पी एट एम पी इन द एन एन पी एट एफ सी। यू ऑलरेडी नो एन एन पी एट एफ सी इज द सिंबल फॉर नेशनल इनकम। एन एन पी एट एफ सी फुल फॉर्म इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एट एफ सी। सो दिस इज नेशनल इनकम एंड दिस इज द रूट टू अराइव एट, दिस इज द रूट टू अराइव एट नेशनल इनकम फ्रॉम जी डी पी एट एम पी। फर्स्ट ऑफ ऑल वट यू हैव टू डू, नंबर वन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएशन, दिस विल बी वैल्यू विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल, यू सिंपली टेक द वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम जी डी पी एट एम पी। वन अनदर नेम मे बी यूज फॉर डेप्रिशिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सी एफ सी, सो दैट ऑल्सो यू कीप इन माइंड। वो हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में डेप्रिशिएशन वर्ड की जगह सी एफ सी यूज़ कर ले, तो आपको वो वर्ड भी याद रखना है। जब आप डेप्रिशिएशन सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस कर लोगे जी डी पी एट एम पी में से, तो यू विल बी गेटिंग नेट वैल्यू, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एन डी पी एट एम पी। बट हमें तो एन एन पी एट एफ सी चाहिए, तो ये डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, दिस एन फॉर नेशनल। आप डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दो कंपोनेंट्स का डिफरेंस है, फैक्टर इनकम जो हमारे देश के लोगों ने रिसीव की है और फैक्टर इनकम जो हमारे देश ने दूसरे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स को
पे की है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इसलिए नेट वर्ड है। ओके, जब आप इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करोगे NDP एट MP में, यू विल गेट NNP एट MP। ओके, देयर आफ्टर यू विल बी कन्वर्टिंग दिस MP दैट इज मार्केट प्राइस इनटू फैक्टर कॉस्ट। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, और यू कैन सिंपली डू सब्सिडी टू बी एडेड एंड इनडायरेक्ट टैक्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम दैट इज NNP एट FC। सो नाउ वी टेक वन और टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। सी हेयर इन द स्लाइड वी हैव बीन गिवन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वर्थ 500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350, डेप्रिशिएशन 80, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स आपको GDCF यहाँ गिवन है, आपको सब कंपोनेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस अनदर नेम हैज बीन यूज फॉर GDCF दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इन शॉर्ट GI। ओके, नेट एक्सपोर्ट्स वैल्यू इज आल्सो गिवन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 75 इज गिवन, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स 20 एंड चेंज इन स्टॉक 50। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू इट। सेम फार्मूला विल बी यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट GDP एट MP। उसके लिए क्या करना है, ये चार कंपोनेंट ऐड होंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब 500 दिस, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिस इज गिवन 350 दिस वन, देन GDCF और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट GI इट इज 450 दिस वन, देन नेट एक्सपोर्ट्स 210, डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स वैल्यू एंड इम्पोर्ट्स वैल्यू ऑलरेडी गिवन 210। दीज फोर वैल्यूज व्हेन समड एडेड विल गिव यू 1510, दिस इज वैल्यू ऑफ GDP एट MP। नाउ वी नीड टू फॉलो द स्टेप शोन इन दिस इक्वेशन टू अराइव एट द नेशनल इनकम। व्हाट वी नीड टू डू, एज ऑलरेडी टोल्ड, डेप्रिशिएशन टू बी सब्ट्रैक्टेड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस है तो ऐड हो जाएगी, NIT सब्ट्रैक्टेड। व्हेन यू विल डू दिस यू विल अराइव एट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम विच इज 1485। फ्यू मोर एग्जांपल्स आई हैव एडेड इन दिस वीडियो, दे आर फुली सोल्ड, यू ट्राई टू सॉल्व देम योरसेल्फ एंड देन कंपेयर द आंसर्स। थैंक यू वेरी मच।